राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा घंटा घर पहुंच चुकी है। मेरे सामने आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो है वो लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके संबोधन है यहाँ पे, जो तमाम कांग्रेसी हैं उनके अंदर उत्साह नजर आ रहा है। पुरजोर तरीके से उन्होंने स्वागत करा राहुल गांधी का। जो तमाम कांग्रेसी हैं आज घंटा घर पे इकट्ठा हुए हैं, उनका संबोधन है और उन्होंने जो स्वागत करा है, ऐतिहासिक स्वागत करा है राहुल गांधी का। और इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं लोकसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस जो है वो जमीनी स्तर पे उतर कर लड़ाई लड़ने को तैयार है। देख सकते हैं राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा मोना, तमाम कांग्रेसी आपको इस जीप में नजर आ रहे होंगे। अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं तमाम कांग्रेसियों का। अब देखिए किस तरीके से कितनी मशक्कत हो रही है यहाँ पे राहुल गांधी को कवर करने में। देखिए राहुल गांधी जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं देखिए लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी से हम कोशिश करेंगे कि बात करें। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल के नारे हैं वो पूरा घंटा घर जो है वो राहुल के चाहे वालों से भाग उठा है और कांग्रेसियों के अंदर उत्साह जो है वो साफ तौर से नजर आ रहा है। राहुल गांधी अब घंटा घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे वो संबोधन करेंगे। तमाम जो कांग्रेसी हैं वो यहाँ इस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सामने आप देख सकते हैं, आप मेरे सामने देख सकते हैं राहुल गांधी जो है वो घंटा घर पहुंच रहे हैं। अभी वो संबोधन करेंगे। देखिए राहुल गांधी जो है वो आप धीरे धीरे किस तरीके से मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक शुरू की और आज मैं आपके सामने लखनऊ में यहाँ हाजिर हूँ। मैंने हजारों लोगों से पूछा कि ये देश में जो नफरत फैल रही है इसका कारण क्यों फैल रही है। गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है, किसान को, छोटे व्यापारी को, बेरोजगार को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को न्याय नहीं मिलता है। न्याय सिर्फ अरबपतियों के लिए है, बाकी लोग अन्याय की जिंदगी जीते हैं और मरते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा घंटा घर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी ने अभी जो है भाषण दिया, जनता ने वो भाषण सुना और अब राहुल गांधी फिर बोल रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग जो है उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। अब जो है राहुल गांधी जो है हर मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब पेपर लीक का मुद्दा जो है वो राहुल गांधी उठा रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने किसानों के MSP पे बात करी, इससे पहले आरक्षण घोटाले पे बात करी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब लखनऊ के बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है और इसका काफिला जो है वो मजबूत होता जा रहा है। तमाम इस काफिले के साथ युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सबका साथ इस काफिले में नजर आया और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को भी निशाना बनाया। उन्होंने किसानों के मुद्दे के साथ साथ पेपर लीक का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना है जो पेपर लीक करवाया जा रहा है उसके पीछे एक बड़ी साजिश नजर आ रही है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।